क्या आपके पास भी एक आलू वाला पीसी है और उसमें आप कुछ ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं और आप खेल नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास एक आलू वाला पीसी है जिसमें कि 4 GB रैम है। तो वेल गाइस, कहीं ना कहीं आप भी ऐसे परेशान है यार, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपका भाई आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है। तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेल के जो आज का वीडियो होने वाला है वो काफी खास होने वाला है। जिन लोगों के पास मिड रेंज वाला लैपटॉप या पीसी है और उसमें 4 GB रैम और उसमें आप कुछ अच्छे ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं पर आप खेल नहीं पा रहे या आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, तो भाई ये वीडियो खासकर आप ही लोगों के लिए बना है। इस वीडियो पर मैं 5 ओपन वर्ल्ड गेम लेके आऊँ जो कि आपके 4 GB रैम वाले पीसी या लैपटॉप पे आराम से रन करेंगे। एंड एक और बात दोस्तों कि स्क्रॉल करते करते आपके प्यारे दोस्त ने आपको इस वीडियो को शेयर किया तो भाई एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देखो तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो बहुत ही बुरा लगता है यार, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है सैंस रो 4। एंड दोस्तों सैंस रो 4 एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किशन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया डीप सिल्वर के द्वारा। बेसिकली आप इसे बोल सकती है सैंस रो 3 का एक सीक्वेंस गेम है एंड ये सैंस रो सीरीज का 4th गेम निकल के आता है। वेल गाइस, इस गेम को रिलीज किया गया 20 अगस्त 2013 को। एंड बेसिकली दोस्तों ये गेम्स आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स 360, प्लेस्टेशन 4 इनफैक्ट अपने विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से खेल सकते हो। मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है। गेम एक स्टोरी लाइन मिशन कंप्लीट गेम है, यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं एंड आफ्टर मिशन आप यहाँ पर सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब आप हो हर एक चीज कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में खेल करते हो। यहाँ पर आप कार चला सकते हो, एरोप्लेन उड़ा सकते हो एंड आदमी को मार पीट सकते हो, मतलब आपको ग्राफिक्स क्वालिटी का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो काफी कम है। इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भाई मात्र 10 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है वॉच डॉग। एंड दोस्तों वॉच डॉग एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड दोस्तों इस गेम को रिलीज किया गया 27 मई 2014 को। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे प्लेस्टेशन 3, प्लेस्टेशन 4, प्लेस्टेशन 5 इनफैक्ट अपने एक्सबॉक्स 360, एक्सबॉक्स 1 एंड अपने पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से खेल सकते हो। मोड की बात करें तो भैया ये सिंगल प्लेयर आता है। इस गेम का जो स्टोरी लाइन है वो स्टार्ट होता है 2012 के टाइमलाइन में। शिकागो में एक कंपनी जिसका नाम ब्लूम रहता है सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करती है जिसका नाम रहता है सिटी ओएस। बेसिकली दोस्तों ये ओएस क्या करता है कि वो सिटी के जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का वो डेटा अपने पास रखती है एंड ये ऊपर से दिखाती है कि भैया जो हमारा ये ओएस है वो गवर्नमेंट के बहुत ही काम आता है। मतलब जैसे कि मान लो कहीं क्राइम हो गया तो बेसिकली ये सिटी ऑटोमेटिकली जीपीएस में वो सेट करके वो पुलिस वाले को बता देगी कि भैया देखो यहाँ पर एक क्राइम हो रहा है, बट ये ऊपरी दिखाने के लिए रहता है। असल में इस सिटी ओएस का काम क्या रहता है, जितने भी डेटा रहते हैं वो दूसरे कंपनी को बेचना, मतलब ब्लैक में बेच देना डेटा को। तो एक हैकर रहता है जिसका नाम एडम पियर्स रहता है, वो एक ग्रे हैट हैकर रहता है एंड उसके फ्रेंड शिकागो के होटल में डिस्क्लाउड होटल में वो लोग जाते हैं एंड लोगों के पैसे को वो हैक करते हैं। एंड बेसिकली होता क्या है कि जो होटल का मालिक रहता है उसे पता चल जाता है कि भाई हमारे होटल में कुछ ऐसा गड़बड़ शड़बड़ हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर एक हैकर रहता है जो कि एडम के जो प्लान रहता है उसको फेल कर देता है। तो बेसिकली एडम क्या करता है कि अपने फैमिली को वो रिक्स में नहीं डालना चाहता, तो भाग वो जैसे तैसे वहाँ से निकल के अपनी फैमिली को लेके जाता है। तो बेसिकली होता है क्या, यहाँ पर एक हिटमैन आ जाता है एंड वो एडम के गाड़ी को शूट कर देता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि गाड़ी में तो ऐसे कोई हार्म किसी को चोट नहीं लगती है, बट एडम की जो भांजी रहती है वो एक्सपायर कर जाती है। अब क्या रहता है, 11 महीने बाद दोस्तों कि एडम अपने आप पर शपथ लेता है कि भाई जो भी मेरे जो वो हिटमैन था अपने को उससे बदला लेना। तो बेसिकली अब यहाँ पर मेन गेम स्टार्ट होता है। एडम हिटमैन को जैसे तैसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है और उससे पूछता है कि भाई तुमको किसने भेजा था। तो यहाँ से अब स्टोरी लाइन शुरू होता है एंड इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी है। इस गेम में आफ्टर स्टोरी कंप्लीट करने के बाद आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर उधर भटक भटक सकते हो, काफ़ी गेम ओपी है, जरूर से इसे ट्राई करना। इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो
मात्र 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 1 GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो कोर टू ड्यूओ में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 21 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। वेल, जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है GTA 5। एंड दोस्तों इस गेम के बारे में मेरे से ज़्यादा तो आप जानते होंगे। GTA 5 एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया स्टार नॉर्थ के द्वारा, पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। GTA 4 के बाद ये सेकेंड गेम था जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। पब्लिश किया गया था 17 सितंबर 2013 को। बेसिकली ये आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध, प्लेस्टेशन 3, Xbox 360, प्लेस्टेशन 4, Xbox One और आपके PC प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसान तरीका से खेल सकते हो। मोड की बात करें तो भैया यहाँ पर आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो और मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। गेम की बात करें तो आपको पूरा ओपन वर्ल्ड सिटी देखने को मिलता है। इस गेम का मैप काफ़ी बड़ा है, मतलब आप घूमते घूमते थक जाओगे तो भी इसका मैप खत्म नहीं होगा। एंड वो सभी चीज़ें आप इस गेम में कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में कर सकते हो। कार चला सकते हो, एयरप्लेन उड़ा सकते हो एंड बाइक चला सकते हो। एंड यार इस गेम का जो स्टोरी लाइन है यार काफ़ी अमेजिंग। एक दो मिशन कंप्लीट करने के बाद आप पूरा सिटी में इधर उधर भटक भटक सकते हो, आप इस सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 RAM भी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर टूरियो में हमसे चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 100 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कूद फान के सुपरमैन जैसे आप मेरी वेबसाइट पर जाए एंड इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। फोर्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है फार क्राई 4। एंड दोस्तों फायर क्राई 4 एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए आराम से उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन 3, प्लेस्टेशन 4, Xbox 360, Xbox एंड आपके PC प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसान तरीका से खेल सकते हो। ये फायर क्राई सीरीज का फोर्थ गेम है दोस्तों। साथ साथ इस गेम की मोड की बात करें तो भैया ये सिंगल प्लेयर भी है एंड मल्टीप्लेयर है। इस गेम को रिलीज़ किया गया था November 18, 2014 को। एंड इस गेम की स्टोरी लाइन की बात करें, स्टार्ट होता है 2014 को, जहां पर अजय गाली की मदर जिसका नाम ईश्वरी रहता है, इंडिया एंड नेपाल के बीच दोस्तों एक हिमालय माउंटेन के रात नाम का एक कंट्री रहता है। स्पीच ये थी कि भैया मैं जब अंतिम समय में मेरा जब लास्ट स्टेज चले तो मेरे को केरात के लक्ष्य मना है, वहाँ पर उसे ले जाया जाए। अपनी मदर की लास्ट विश को देखते हुए उनकी अस्थियाँ को US से नेपाल लक्ष्य मना की ओर बढ़ता है। जो हमारा विलन रहता है गेम का, वो क्या करता है कि अजय के बस के ऊपर वो हमला करा देता है। से अब यार मेन स्टोरी स्टार्ट होता है। अब क्या करता है कि अब वहाँ की जो भी लोकल अथॉरिटी रहती वो पेगन मिल से काफ़ी यार परेशान रहती कि भाई वो काफ़ी बुरा आदमी एक टाइप का था। एंड वेल गाइस यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है। अजय जैसे तैसे वहाँ अपने आप को छुड़ाता है एंड वहाँ से वो निकलने का कोशिश करता है। एंड यहाँ से वो लोकल अथॉरिटी से मिलता है एंड दोनों मिल के दोस्तों कि पेगन मिल के बेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि इस गेम का मेरे को स्टोरी लाइन है यार काफ़ी पसंद है। एंड इस गेम में आपको हिंदी लैंग्वेज का भी आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, जो सब टाइटल्स हैं, जो कैरेक्टर जो बात करते हैं। तो इस गेम का ग्राफिक क्वालिटी काफ़ी ओपी है। बेसिकली इस गेम में वो आप सभी चीज़ कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में कर सकते हो। तो वेल गाइस इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। की बात करें तो मात्र 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 RAM नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 30 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने PC या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। जो हमारा फिफ्थ गेम एंड आखिरी गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है नीड फॉर स्पीड राइवल्स। एंड दोस्तों नीड फॉर स्पीड राइवल्स एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है इस गेम के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। बेसिकली दोस्तों ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध हो जाता है। आप इसे प्लेस्टेशन 3, प्लेस्टेशन 4, Xbox 360, Xbox One एंड आपकी PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से खेल सकते हो। इस गेम को रिलीज किया गया था 20 नवंबर 2013 को। बेसिकली की बात करें तो भैया सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो एंड मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। गेम की बात करें तो भैया गेम टोटली आपका रेस के ऊपर बेस है, मतलब यहाँ पर आपको रेसिंग करना रहता है। साथ ही साथ यार आप बोलोगे भाई इसमें तो खाली रेसिंग करना रहता है, अपन रेसिंग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप रेसिंग करोगे तो यहाँ पर आपको रियल ट्रैफिक देखने को मिलेगा एंड यहाँ अलग अलग सिटी के कंट्री में ट्रैवल करोगे। एंड यहाँ पर जो आपका व्यूइंग एंगल रहेगा जब आप रेसिंग करोगे तो पूरा ओपन वर्ल्ड जैसा रहेगा दोस्तों।
इस गेम का ग्राफिक क्वालिटी काफी ओपी है। अगर आप एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम खेलना चाहते हो तो भाई जरूर से इस गेम को एक बार आप जरूर से ट्राई करना। एंड वेल गाइस, इस गेम को जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर हम रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर ड्यूओ में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 25 GB के आसपास आपके पास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको इस गेम को भी इंस्टॉल करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस, यही कुछ 5 ओपन वर्ल्ड गेम थे आपके 4 GB रैम वाले पीसी के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी गेम पसंद आता है या खेलना चाहते हैं तो भाई जरूर से हमारे वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ से आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक बार दोस्तों, अभी देखा आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई देखो बहुत बुरा लगता है जब तुम ज्वाइन नहीं करते हो, तो प्लीज़ लिंक है नीचे, जाके ज्वाइन हो जाओ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड एक बात जरूर बताना कि टॉप 5 गेम में से आपका फेवरेट गेम कौन सा है और आप कौन सा भी गेम इंस्टॉल करने वाला हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना और अच्छे से रहना, गेम खेलते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।